डैडी पिग, आज कितने दिनों के बाद हम सब एक साथ घूमने के लिए निकले हैं ना लॉन्ग ड्राइव पर आज हम कहाँ जा रहे हैं? ओह हाँ, शायद हमें काफी लंबा समय हो चुका है बाहर एक साथ घूमने गए हुए, पर क्या करें, गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती। और हम लॉन्ग ड्राइव पर तो निकले हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है ये तो मैंने भी नहीं सोचा। चलो चलो आज दादा पिक के घर चलते हैं, दादा पिक और दादी पिक के घर चलते हैं। ओ हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर हमारी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और दादा पिक और दादी पिक खुश भी हो जाएंगे जॉर्ज पापा को देखकर। काफी लंबा समय हो चुका है, पर डैडी पिक क्या आपको रास्ता याद है? ओ हाँ बिल्कुल, और अगर नहीं याद होगा तो मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है, नेविगेशन लगा लूंगा, गूगल मैप से हम पहुँच ही जाएंगे। आप पहले भी कई बार नेविगेशन से गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो मुझे आपकी नेविगेशन पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डैडी पिग हमेशा हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनको रास्ते बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं, है ना जॉर्ज? पिछली बार भी क्या हुआ था, जब हम दादा पिग के घर के लिए निकले थे तो डैडी पिग ने गलत रास्ते पर हमें पहुंचा दिया था। पापा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, डैडी पिग आप एक बार दादा पिग से कॉल करके रास्ता पूछ लेना, बस नेविगेशन मत लगाना, आप गलत नेविगेशन लगाते हो। ओ नहीं बच्चों, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर जाऊंगा आज। चलो चलो चलते हैं। ये हुर्रे, मजे आ गए। ओ डैडी पिग संभल कर, जरा कहीं गिरा मत देना। अरे अरे मेरी ड्राइव पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? चलो चलो। वाव बच्चों कैसा लग रहा है तुम्हें? ये डैडी पिग मजा आ रहा है, चलिए। ये चलो चलो। और देखो देखो बच्चों, आज मैं बिना गलत रास्ता दिखाए मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा हूँ। वो देखो दादा पिग का घर नजर आ रहा है। ये हुर्रे, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह आज तो डैडी पिग ने कमाल ही कर दिया। देखो जॉर्ज हम दादा पिग के घर पहुंच गए। ओह बुद्धू जॉर्ज तो सो गया, देखो देखो वो सो गया। मम्मी पिग कोई बात नहीं, वो छोटा बच्चा है वो सो ही जाता है। चलो चलो हम दादा पिग के घर पर पहुंच गए, जल्दी से हॉर्न बजाओ। ओ देखो देखो दादा पिग हमारा इंतजार कर रहे हैं। दादी पिग देखो देखो, लगता है बच्चे आ गए, देखो हॉर्न बज रहा है कार का, और आज तो चमत्कार हो गया, डैडी पिग ने बिना हमसे रास्ता पूछे ही घर ढूंढ लिया। हा, 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 हा। अरे हाँ आज तो डैडी पिग ने कमाल ही कर दिया। चलो चलो हम बच्चों को लाते हैं। वाव आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे काफी दिनों के बाद घर पर आए हैं। चलो दादी पिग बच्चों को लाने के लिए चलते हैं बच्चों की गाड़ी के पास। यो आओ ना आप भी आओ। चलिए चलिए मैं अभी आती हूँ। चलो चलो मैं जाता हूँ। डैडी पिग आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर पर। चलो चलो जॉर्ज और पेपा तुम दोनों भी चलो, और ये दोनों तो सो गए। नहीं दादा पिग मैं नहीं सोई, ये जोर सो रहा है, मैं तो उठी हुई हूँ, मैंने तो ऐसे ही आंखें बंद की हुई थी। अच्छा अच्छा मुझे लगा कि पेपा भी सो गई, पर पेपा कैसे सो सकती है, पेपा तो सफर में कभी नहीं सोती। ये हुर्रे मैं कभी नहीं सोती। चलो चलो जल्दी से दादी पिग के पास चलते हैं। ये हुर्रे हुर्रे। ओ देखो पेपा हम दादा पिग के घर पर पहुंच गए। अरे बुद्धू मुझे तो पहले ही पता था तुम सो गए थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो हम दादा पिग के घर पर हैं। हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, पर शायद तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं खुली है बुद्धू जॉर्ज, तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बोलती हो। चलो तो हमेशा ही मुझे बुद्धू बोलती हो, मैं बुद्धू नहीं हूँ। चलो दादा पिग और दादी पिग के पास चलते हैं। हुर्रे हुर्रे। ये ना दादा पिग आज तो कमाल ही हो गया, आज पहली बार डैडी पिग ने बिना नेविगेशन लगाए और बिना आपको फोन कॉल किए घर ढूंढ लिया।
मुझे भी बहुत हैरानी हुई। मैं दादी पिक से यही बोल रहा था कि आज तो करिश्मा ही हो गया। आज डैडी पिक बिना नेविगेशन लगाए और बिना मुझे फोन कॉल किए घर पर पहुंच गए। हा 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 हा, इट्स अ जोक, वेरी बिग जोक। आप लोग हमेशा ही मेरी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे क्या मुझे घर का रास्ता याद ही नहीं होगा? अरे मुझे घर का रास्ता याद है। और मम्मी पिक, तुम चुप रहो, तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। डैडी पिक मुझे हाँ, मैंने सबके लिए कुकीज बनाई है, हम सब मिलकर कुकीज खाएंगे। और जोर जोर पैपा, तब तक तुम खेल लो, तुम्हारे खेलने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, तुम लोगों का बहुत मन लगेगा। हमने तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं बराबर वाले घर में, तुम चाहो तो वहाँ जाकर खेल सकते हो। सच में दादी पिक, आपने हमारे खेलने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं? सच में डायनासोर भी है क्या? डायनासोर? ए बुद्धू, डायनासोर नहीं होगा। पूछते हैं दादी पिक से। चलो दादी पिक, आपने क्या इंतजाम किए हैं? प्लीज हमें बताइए। तुम लोग बराबर में ही जाकर देख लो, बराबर में तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है।